हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। देखिए, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि अक्ष स्क्वायर प्लस टू अक्ष प्लस नौ बराबर अक्ष माइनस दो और अक्ष माइनस तीन तो परिणामी समीकरण है। तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस दो अक्ष प्लस नौ बराबर, ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस दो अक्स माइनस तीन अक्स प्लस है। तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस दो अक्स प्लस नौ बराबर अक्स स्क्वायर माइनस पांच अक्स प्लस है। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर चला जाएगा, अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर चला जाएगा, दो अक्ष और पांच अक्ष हो जाएगा सात अक्ष, दो अक्ष और पांच अक्ष सात अक्ष बराबर तीन अक्ष बराबर, अक्ष बराबर हो जाएगा माइनस का तीन। माइनस का तीन का मतलब होता है ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो प्रत्येक अंतःकोण और बहिर्कोण का मान 180 होता है। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री तो हो जाएगा 45 डिग्री एक कोण का मान। तो पूरा का मान होता है 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा 45 डिग्री, 360 में 45 का भाग देंगे तो 8 भुजा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 6300 के अपन को फैक्टर करना पड़ेगा तो 100 से भाग देंगे 63, फिर 9 से 7 बार, फिर 7 से तो 100 का हो जाएगा 10, 9 का हो जाएगा 3, 7 का नहीं हो रहा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6300 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 0 0 7 या 21 का एक हासिल की तो 7 6 42 और 2 44 44100 ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 0.47 47 47 तुल्य बिन के रूप में, तो यह है 0.47 के ऊपर बार, तो 47 जितने के ऊपर बार है उसका आ जाएगा नीचे 99, तो 47/99। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो 1212 के ऊपर का अपन को निकालना है वर्गमूल, तो 12 से कम 3 का होता है, 12 से कम 3 का होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो आ जाएगा ऊपर 300, नीचे आ जाएगा 312, 3 दुनी 6 इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 का 5 हासिल की 2 6 5 30 और 2 32 संख्या आनी चाहिए। 325 पर अपने पास संख्या है 312, तो अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर 13 ऐड करना पड़ेगा। आगे देखें स्टूडेंट छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 26.52, 26 की जगह आ जाएगा 27 इंटू 3.89 की जगह आ जाएगा 4 माइनस 7.79 की जगह आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 27.39 की जगह आ जाएगा 27, तो 27 इंटू 4 108 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 27, तो 108 108 108 माइनस 108 प्लस
27 में से 16 चला जाएगा 9, 108 प्लस 27 में से 16 गया 11, 108 प्लस 11 बराबर 119। आगे देखे स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, एक आदमी 15 रुपए में 15 एक वस्तु के सामान से खरीदता है, वह उन प्रत्येक को 1.23 में बेचता है, मतलब 15 वस्तु 15 रुपए में उसने खरीदा, अब 1.23 के हिसाब से बेच रहा है, 15 1.23 इंटू 15, 5 × 15 का 5, हासिल की 1, 5 × 2 = 10, 11 का 1, हासिल की 1, 5 × 1 = 6, नीचे हो जाएगा 123, 5 × 4 = 8, 1 18.15 में खरीदा और बेच रहा कितने में, 18.45 में, 3.45/15 × 100, 2 0 आ जाएगा, पॉइंट अट जाएगा, तो 100 से 100, 15 × 2 = 30, 15 × 9 = 45, 20.9% का, 20.9%, 15 × 3 = 45, 23% का, 23% का लाभ हो रहा है। आगे देखे स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, एक यदि a प्लस बी बराबर 56, तो यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर 56, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 496, तो a प्लस a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस बी स्क्वायर 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136 बराबर a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 496 प्लस 4ab, तो 4ab बराबर हो जाएगा 2640, तो हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दे देंगे, ए बी बराबर आ जाएगा 660। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक आयताकार भूखंड के विकिरण और एक भुजा की माप 65 और 63 मीटर है, 65 या एक आयताकार भूखंड हो गया ऐसा, इसकी एक भुजा ये 63 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं अपन 65, 63 बड़ी वाली और 65 इसका मान लेते हैं विकिरण, तो ये इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65, तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा 63 का स्क्वायर 3900 × 69 प्लस बी स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4525, तो बी स्क्वायर बराबर 4525 में से 3900 × 69 चला जाएगा, तो हो जाएगा 256, बी बराबर हो जाएगा 16, बी बराबर मतलब अक्ष बराबर 16, तो इसका परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप हो जाएगा इसका 158। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।